इसराइल ने ईरान की सीरिया वाली फैक्ट्री के पर कच्चे उड़ा दिए हैं। पहले हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे, फैक्ट्री के गार्ड को मार डाला, ईरानी अफसर उठा ले गए, उसके बाद मिसाइल से फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। अब इसराइल चुप है और ईरान बदले की आग में जल रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस बात की आशंका जता रहे हैं कि जिस तरह से अपने दो अफसरों के मारे जाने पर ईरान ने इसराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइल से अप्रैल में हमला किया था, ईरान इस बार भी ऐसा ही कर सकता है। खामनेई की सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिरी। इसराइल ने उड़ा दी ईरान की मिसाइल फैक्ट्री। पहाड़ की खोह में आईडीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ईरान का स्लीपर सेल भी देखकर रह गया दंग। इसराइल ईरान जंग पूरे जोरों पर है। इजरायली डिफेंस फोर्स हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। एक जगह बरसा बारूद धुएं में तब्दील हो तब तक दूसरी जगह धमाके से गाजा हिल उठता है। 11 महीनों से हमास लड़ाकों की तलाश में इजरायल सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं कर रहा है। तेहरान, लेबनान, यमन, सीरिया को भी टारगेट कर रहा है और हमास लड़ाकों की तलाश में कतर, काहिरा, संयुक्त अरब अमीरात से लेकर लंदन तक मुसाद के एजेंट फुल ऑन एक्टिव हैं। आप देख चुके हैं कि कैसे हमास चीफ इस्माइल हानिया को मुसाद ने ईरान के घर में घुसकर मारा। मकसद सिर्फ हानिया की हत्या नहीं था, समर्थन कर रहे ईरान को चेतावनी थी। इसराइल क्लियर कर चुका है कि हमास के खात्मे की राह में जो भी आएगा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। अब ताजा हमला सीरिया पर देखिए। सीरिया के मसफ क्षेत्र में मौजूद साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजरायली डिफेंस फोर्स पहले एयर स्ट्राइक करती है। यह इसलिए क्योंकि सीरियाई सेना यहां अपने अतिरिक्त सैनिकों को नहीं भेज सके। फिर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, कमांडो सेंटर के गार्ड को मारते हैं, यहां मौजूद दो चार ईरानी अफसरों को उठा ले जाते हैं, सेंटर के यंत्रों और दस्तावेजों को भी अफसरों के साथ ले जाते हैं। इसके बाद मिसाइल अटैक से सेंटर को नेस्तनाबूद कर देते हैं। एक्सियोस के मुताबिक 2018 में हिजबुल्ला और सीरिया के साथ मिलकर ये अंडरग्राउंड फैक्ट्री बनाई गई। ईरान ने पहाड़ के अंदर इस फैसिलिटी को बनाया ताकि इजरायली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। मिसाइल फैक्ट्री को लेबनान सीमा के करीब बनाया गया था ताकि हिजबुल्ला को आसानी से हथियार पहुंचाया जा सके। सीरियाई टीवी ने इस हमले का पूरा ग्राफिकल वीडियो बनाया है। ये केमिकल रिसर्च सेंटर है जिसका इस्तेमाल ईरान और सीरिया दोनों मिलकर करते हैं। इस इलाके में अक्सर सीरियाई सरकार के अधिकारियों और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के अफसरों की मीटिंग होती है। माना जा रहा है कि जिन ईरानी अफसरों को इजरायली फोर्स ने अगवा किया है वो अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट हैं। सीरिया के मसेफ और हमा इलाके में ईरान समर्थित आतंकी समूहों के लोग रहते हैं। ये हमला 9 सितंबर का है। इस हमले से मसेफ और हमा इलाके के 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी तरह से खत्म हो गए। मिसाइल फैक्ट्री पर अचानक हमले से सीरियाई गार्ड्स हैरान रह गए। कहा जा रहा है कि मसेफ और हमा का ये रिसर्च सेंटर असल में ड्रोन्स और रॉकेट बनाने के काम आते थे। इजरायली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कुछ वर्षों में ईरान और सीरिया के खिलाफ पहला ग्राउंड ऑपरेशन है। इस फैक्ट्री की तबाही ईरान सीरिया समेत हिजबुल्ला के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यहां मीडियम रेंज की सटीक मिसाइलें बनाई जाती हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन को लेकर इजरायली सरकार चुप है क्योंकि इजरायल नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा कहे जिससे ईरान या सीरिया भड़क जाए। इसराइल के इस ऑपरेशन में 15 मिलिट्री साइट्स को टारगेट बनाया गया जिसमें 18 लोग मारे गए हैं और 37 लोग जख्मी हुए हैं।
7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इसराइल में घुसकर 1200 लोगों का कत्ल कर दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया, उसके बाद इसराइल की ओर से ये अब तक के सबसे साहसिक मिशन में से एक है। इस मिशन में इसराइल ने अपनी ओर आने वाली मिसाइलों की सप्लाई लाइन ही काट दी। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इसराइल ने जहां रेड की वो एक अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाना है। इसराइल ने इसे नष्ट कर दिया। अमेरिका और इसराइल के दावे के मुताबिक ये मिसाइल फैक्ट्री ईरान ने बनाई थी। هذا العدوان الوحشي هذا العدوان الهمجي حتى اللحظة نتيجة الإصابات هي ارتقى 18 شهيد و 37 مصاب جريح ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल वायुसेना की विशिष्ट इकाई शाल डैंग ने एयर स्ट्राइक और रेड को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था, ऐसे में बाइडेन प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दी गई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसराइल ने कई एयर स्ट्राइक के जरिए पहले भी ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह किया है। सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने जहां हमला किया है वहां ईरान और सीरिया मिलकर केमिकल हथियार बनाते थे। क्या होते हैं केमिकल हथियार? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW के मुताबिक केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं और साथ ही उन्हें अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। 2023 में केमिकल वेपन के वॉचडॉग यानी OPCW ने घोषणा की थी कि अमेरिका आखिरी देश था जिसके पास ये हथियार मौजूद थे और इन्हें नष्ट किया जा चुका है। 1997 के केमिकल्स वेपन कन्वेंशन के मुताबिक इसमें शामिल सभी देशों को सितंबर 2023 के आखिर तक सभी केमिकल हथियारों को नष्ट करना था। ईरान के इस सेंटर पर इसराइल के हमले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान बैन के बावजूद केमिकल हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। यहां आपको कुछ सबसे खतरनाक केमिकल हथियार के बारे में जरूर जानना चाहिए। नर्व एजेंट, सबसे घातक केमिकल हथियार, छोटी सी डोज पल भर में जान ले सकती है। चोकिंग एजेंट, दम घोटने वाला केमिकल हथियार। ब्लड एजेंट, ब्लड सेल पर हमला करते हैं, दम घोट देते हैं। ब्लिस्टिंग एजेंट, शरीर पर फफोले हो जाते हैं, व्यक्ति अंधा हो जाता है, जान भी जा सकती है। रॉयड कंट्रोल एजेंट, आंख मुंह स्किन फेफड़े में जलन पैदा करते हैं। सीरिया की केमिकल फैक्ट्री पर इजरायली हमले की जानकारी अगर अमेरिका को थी और उसने इसे छिपाया तो अब ईरान के पास कोई तर्क नहीं है कि वो केमिकल हथियार बनाने की बात कबूल करे और इजरायल के खिलाफ हमला बोलते। वैसे इस साल सीरिया में मौजूद ईरान के समर्थन वाले आतंकी समूहों पर इजरायल ने 43 एयर स्ट्राइक किए हैं। सीरिया में इससे पहले इसराइल ने 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में हमला किया था। इस हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के 7 सदस्य और 6 सीरियाई नागरिक मारे गए थे। इसराइल ने इस हमले में खुद के हाथ होने की बात से इनकार किया, लेकिन ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। 300 ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। इसराइल दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी खतरे को आने से पहले ही खत्म कर देता है। इसके लिए उसे चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना ही क्यों न भेजनी पड़े। इसराइल युद्ध भले ही हमास के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 11 महीनों की लड़ाई में अपने से किसी भी स्तर पर तुलना के काबिल नहीं समझने वाले हमास का सफाया क्यों नहीं कर पाया है। इसका जवाब पूरी दुनिया जानती है और वो ये है कि इसराइल के हर दुश्मन को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान ये सालों से करता रहा है। ईरान मानकर चलता है कि इसराइल का अस्तित्व अरबों की जमीन पर खड़ा हुआ यहूदियों की घुसपैठ है, यानी इसराइल का समूल नाश ईरान का मकसद है। इसके लिए वो यमन के हूथी विद्रोहियों को समर्थन करता है, लेबनान के हिजबुल्ला का भी समर्थन करता है, यही हाल सीरिया का है। ईरान सीरिया में उसके साथ है जो अमेरिका का विरोधी है, इसराइल का दुश्मन है।